दोस्तों एनर्जी वो तरीका है जो एक शख्स से हम जो बात किसी दूसरे को समझाना चाहते हैं, अगर हम उसको एनर्जी में, एक्साइटमेंट में आके समझेंगे तो वो बात उनको समझ में आती है। जैसे मैं आपसे एक बात करता हूं, अभी मैं बोलूंगा आपसे, हेलो दोस्तों, आज हम हाउ टू इनवाइट पे बात करेंगे, आपको नींद आ जाएगी थोड़ी देर बाद में। और एक अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं पूरे जोश के साथ, एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, तो आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप जब भी किसी से बात करें तो आपका एनर्जी का लेवल अच्छा होना चाहिए। जब आप किसी से इनविटेशन के लिए बात करेंगे तो आपको इन चार बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि जब आप किसी से बात करेंगे तो आपको यह समझना है कि मेरे को उससे बात क्या करनी है। दोस्तों क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं ना, वो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम में, अलग अलग तरह की उनकी परिस्थितियां होती हैं। तो हम किसी से एक ही तरह की बात ना करें, हम सामने वाले की परिस्थिति को समझ लें पहले ही, उसकी लाइफ में जो चैलेंज है उनको अंडरस्टैंड कर लें और ये आइडिया लगाएं कि हम इससे कैसे बात करेंगे। सो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की, किसी से भी बात करने से पहले उसकी स्टडी करना जरूरी है। वो क्या सोचता है, क्या करता है, उसको काम चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए, थोड़ा सा आइडिया लगाने की जरूरत है। दूसरा, जो भी आप किसी से बात करेंगे वो छोटी बात करनी है आपको। एक्चुअली इन्विटेशन में आपका उद्देश्य क्या है, इनविटेशन में आपका उद्देश्य है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको हमें बिजनेस प्रेजेंटेशन में लाना है, बस। जनरली हमारा जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो क्या करता है, फोन पे ही या जब किसी से मिलता है वहीं बातों ही बातों में पूरे बिजनेस की चीज उसको शेयर कर देता है। जैसे आप किसी गेस्ट से मिले और आपने उससे बात किया, यार मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से और वो उसने आपकी बातचीत करने से आपने उसको बोला, यार मैं एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, तो आपसे पूछेगा जी आप क्या काम कर रहे हैं। फिर आपने बोला, अरे यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, तो यानी कि वो आगे सवाल से सवाल करेगा। और आप में से कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं, अरे यार एक अच्छी कंपनी है, ओरा नाम है, बहुत अच्छी कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, बस दो पांच लोगों को जोड़ना है, लखपति बन जाएंगे। ये लो जी, आपने सब कुछ वहीं पे बता दिया उसको। दोस्तों इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इनविटेशन में हमें किसी को कुछ नहीं बताना, सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए कि उसको एक्साइटमेंट के साथ, हम एक ऐसी फील के साथ उसको हमारे प्रेजेंटेशन में इनवाइट करें कि उसको ये लगना चाहिए कि इसको पता नहीं क्या मिल गया है, कितनी अच्छी चीज मिल गई है। ये हमारा उद्देश्य है, यानी शॉर्ट एंड स्वीट में हमें बात करनी है। दूसरा दोस्तों, जब हम किसी को इनविटेशन के लिए जब हम कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो हमें रिजेक्शन भी फेस करने को मिल सकते हैं। तो आपको इस बात को अदरवाइज नहीं लेना है दोस्तों। देखिए एक बात अच्छे से समझ लीजिए, क्या हर आदमी हर काम को करता है क्या? नहीं करता यार। अगर ऐसा होता तो हर आदमी डॉक्टर होता ना, हर आदमी इंजीनियर होता, हर आदमी कोई एयरफोर्स में होता, हर आदमी कोई और बिजनेस में होता, हर आदमी हर काम को नहीं करता। सो दैट ऐसा हमारे साथ में भी होगा, जब हम हमारे प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करेंगे तो हो सकता है वो आपको मना भी कर दे, इंटरेस्ट भी ना ले आप में से, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इस बात को विश्वास दिलाता हूं कि जब आप जो आपकी लिस्ट सॉर्ट की गई है उसमें से आप कॉलिंग करेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ आएंगे और आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज एक सिद्धांत है जो ये कहता है कि हर चीज का एक एवरेज है, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे तो उनमें से पक्का बहुत सारे लोग हमारे साथ बिजनेस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं, उनमें चार इक्के होते हैं। आप बताइए कौन अंदाजा लगा सकता है कि पहला पत्ता इक्का होगा या नहीं होगा। लेकिन इस बात की गारंटी है कि जब आप 52 पत्ते निकाल निकाल के साइड में रखेंगे उनमें चार इक्के पक्का आएंगे। सो दैट आपके साथ में भी लोग 100% ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो पहला, दूसरा, तीसरा कौन ज्वाइन करेगा इसका आपको कोई अंदाजा नहीं लगाना है, कोई अंदाजा नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग तो ये अंदाजा लगाते हैं ये करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों आपको जो बोला जाता है वो करिए, आपका काम है गेस्ट को इनवाइट करना, यानी कि गेस्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना। और अगर कोई मना करता है तो उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं ना, यही लोग कल आपकी सफलता की कहानियां लोगों को सुनाया करेंगे, तो आपको पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों रिजेक्शन में हमारा जो गेस्ट है वो हमारे से कई तरह के सवाल पूछ सकता है, उन सवालों का हमें जवाब नहीं देना, लेकिन हमें वो सवाल पता रहेंगे तो हमारे को अंदर से डर नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं आपसे सवाल आपके बीच में रख रहा हूं। पहला सवाल है कि यार तेरा बिजनेस क्या है भाई, क्या काम करने लगे। दूसरा सवाल है, यार फोन पे ही बता दे यार।
यार तू प्रेजेंटेशन के लिए या तू सर से मिलवाने की बात कर रहा है, फोन पे बता दे, या मैं बहुत बिजी हूं यार, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कोई ये डायरेक्ट सेलिंग, कोई चेन वेन वाला काम तो नहीं, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, या कितना पैसा लगेगा, कंपनी का नाम क्या है तेरी का, ऐसा दोस्तों आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछ सकता है। आपको इन सवालों का जवाब नहीं देना, आपको बात क्या करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इन सवालों को जस्ट इग्नोर करना है, जस्ट इग्नोर, उनको कोई सवालों का जवाब नहीं देना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम हमारे प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन में लेके आना चाहते हैं, और प्रेजेंटेशन में उसको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जब आप किसी से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या आप उससे इनविटेशन इनवाइट करते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपको अपनी बातचीत में इन शब्दों को अवॉइड करके रखना है। दोस्तों ये शब्द डायरेक्ट सेलिंग के बहुत अच्छे शब्द हैं, लेकिन एक्चुअली इन शब्दों को लोगों ने बदनाम कर रखा है। ये शब्द सुने सुनाए शब्द हैं मार्केट में, जैसे कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं आजा मेरी अपलाइन से तेरे को मिलवा देता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, आजा नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं मिलके, एमएलएम इंडस्ट्री कंपनी ज्वाइन कर ले, प्रोडक्ट ले ले, मीटिंग में आजा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ले लेगा। दोस्तों ये सब का सब होगा, डायरेक्ट सेलिंग में ये होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जो हमारा प्रोस्पेक्ट है इनविटेशन के दौरान, उससे ऐसी बात नहीं करनी है, क्योंकि वो इन बातों को समझ नहीं पाएगा। और जनरली होता क्या है, मार्केट में उसने अगर किसी और कंपनी का कभी कोई प्लान देखा हुआ होगा, तो उस दौरान भी उसको इस तरह के शब्द कुछ सुनाई दिए होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों के पास सही सूचना नहीं है, सूचना तो है लेकिन उनके पास सही ज्ञान नहीं है, इस वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गलत तरह की धारणाएं रख रहे हैं। लेकिन हम में से ऐसे बड़े सारे उदाहरण हैं जो पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने बिजनेस को शुरू किया और आज वो सफल भी हैं। इट मींस जब हम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे तो वो लोग भी आएंगे और कामयाब होंगे, लेकिन हम अगर इनविटेशन के दौरान ही उनको मिसगाइड कर देंगे तो दोस्तों वो लोग आएंगे ही नहीं और हमारे साथ फिर काम नहीं करेंगे। सो इन शब्दों को आपको अवॉइड करना है। दोस्तों बातचीत करने का एक फॉर्मूला है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको किसी से बात करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला है दोस्तों, इनविटेशन है ना, अपने आप में एक आर्ट है, मतलब जब आप किसी से बात करते हैं तो बातचीत करना एक कला है, और इस कला में आप धीरे 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 एक्सपर्ट हो जाएंगे। मैं आपको इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं, जब आप पहली बार किसी को कॉल करोगे, हो सकता है आपके थोड़े से बातचीत करने में आपको थोड़ी झिझक हो, हेजिटेशन हो, लेकिन जब आप 10वीं बार यानी अपने 10वें प्रोस्पेक्ट को कॉल करोगे, उस दौरान आप जबरदस्त तरीके से बात कर रहे होंगे, पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर रहे होंगे। इसलिए इसको कहते हैं कि इसको प्रैक्टिस करना होता है, तो इस फोरम को आपको यूज करना है। दोस्तों इनविटेशन में हम लोगों से कैसे बातचीत करें, उसके लिए फोरम एक फॉर्मूला है, टेक्निक है, जिसको हम लोग यूज करेंगे। फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले हम फैमिली की बात करते हैं, उसके बाद में उसके ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं, और फिर एक मैसेज देके उस कॉल को कंप्लीट करते हैं। कैसे होता है मैं बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है कार्तिक, जो जॉब कर रहा है, मैंने कार्तिक को कॉल लगाया, हेलो कार्तिक कैसा है भाई, सब ठीक है बढ़िया? कार्तिक ने बोला हाँ सब ठीक है बढ़िया है। और फैमिली में सब ठीक है? कार्तिक ने बोला हाँ भाई फैमिली में सब ठीक है, यार अभी पापा को थोड़ी तबीयत खराब थी। यानी जनरल ऐसे बात होती होती है। फिर मैंने अगली बार उससे तुरंत सवाल किया, और भाई जॉब कैसी, क्या चल रही है यार? अभी तो जॉब की तो सामने से जवाब आएगा, हाँ जॉब ठीक चल रही है यार, कहीं सैलरी में कोई कट ऑफ वगैरह तो नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों अभी कोविड में मैक्सिमम लोगों की सैलरी कटी है। यानी उससे बात करके हम उसका पेन समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जॉब में क्या चैलेंज आ रहा है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको बोला कि भाई जॉब सब ठीक चल रही है? वो बोलेगा नहीं यार जॉब कहाँ ठीक चल रही है, अभी सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिल रही है। इस तरह की बात होती है जनरली जब आप किसी से बात करेंगे, चाहे आप किसी स्टूडेंट से बात कर लीजिए, किसी हाउस वाइफ से बात कर लीजिए, किसी बिजनेसमैन से बात कर लीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए, वो अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रखेगा, और हम तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, तो जैसे ही वो अपनी प्रॉब्लम रखता है तो हम उसको बोलते हैं कि यार चल एक बात बता, मैं तेरे से और बात तो बाद में करूंगा, तू बता तेरे जॉब के बाद क्या करता है, यानी जॉब के अलावा तेरा जो एक्स्ट्रा टाइम है ना उसको कहां तू यूटिलाइज करता है। इसको कहते हैं रिक्रिएशन। स्टूडेंट से पूछा तू पढ़ाई के बाद क्या करता है, पढ़ाई के अलावा क्या करता है। ऐसे ही किसी किसान से पूछा कि खेती के अलावा और क्या काम करते हो, खेती के अलावा कोई और भी काम है क्या आपके पास,
किसी बिजनेसमैन से पूछा मैंने कि बिजनेस के अलावा और क्या करता है, दुकान के अलावा और क्या चलाता है, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है उस